Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 4, that is problem solving of computer science grade 11, and all the questions are taken from NCERT textbook, and this is part number 2. इसके previous session में हमने already पहले 8 question का solution देख लिया है. यदि आपने उस video को miss कर दिया है, तो ऊपर I button पे click करके उस video तक आप जा सकते हैं. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. सो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट राइट एन एल्गोरिदम टू परफॉर्म द फॉलोइंग. आस्क ए यूजर टू एंटर ए नंबर. हमें एक नंबर इनपुट करना है, एंड इफ द नंबर इज बिटवीन 5 एंड 15 देन वी हैव टू डिस्प्ले ग्रीन. मतलब जो भी नंबर हम डालेंगे उसे तीन डिफरेंट रेंजेस, वन इज 5 एंड 15, सेकेंड 15 एंड 25, और थर्ड जो है 25 एंड 35. इन तीन डिफरेंट की रेंजेस में हमें चेक करना है कि कहाँ पे मेरा नंबर एग्जिस्ट करता है. अगर 5 एंड 15 है तो ग्रीन डिस्प्ले करेंगे, 15 एंड 25 के बीच में है तो ब्लू डिस्प्ले करेंगे, और अगर 25 एंड 35 के बीच में है तो हम ऑरेंज डिस्प्ले करेंगे. तो इसके लिए जब हम एल्गोरिदम लिखने जाएंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम एनालाइज कर लेते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे इनपुट में क्या होगा. तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम एक नंबर इनपुट करेंगे, देन जहां तक बात है प्रोसेस की तो हम कंपेयर करेंगे गिवन नंबर विद डिफरेंट क्राइटेरियाज, एंड उसके बाद में जब हम बात करेंगे आउटपुट की तो हम बोलेंगे डिस्प्ले एप्रोप्रिएट कलर. एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन लाइक रेड, आइदर ग्रीन, आई मीन इट इज ब्लू एक्चुअली, देन ग्रीन, और यू कैन से ऑरेंज. अब बात आती है हमें एल्गोरिदम लिखने की. तो वी ऑल नो दैट टू राइट एल्गोरिदम वी एक्चुअली यूज और टेक द हेल्प ऑफ सूडो कोड, और यू कैन से फ्लो चार्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक सूडो कोड. सो आई एम गोइंग टू राइट सूडो कोड हियर. सो ऑब्वियसली वी हैव टू एक्सेप्ट ए नंबर. सो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 1, जहां पे मैं लिखूंगा स्टार्ट, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल एक्सेप्ट ए नंबर. सो आई विल राइट इनपुट, और उस इनपुट में मैं एक वेरिएबल n मेंशन कर देता हूं जहां पे हमें वैल्यू लेंगे. नाउ मैं इस n को कंपेयर करूंगा इन डिफरेंट रेंजेस के लिए. एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि जब भी हम मल्टीपल वैल्यूज के लिए कंपैरिजन करते हैं तो हमें हायर टू लोअर की ओर जाना चाहिए. इससे हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है. सो दैट मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ स्टेप नंबर 3, जहां पे मैं लिखूंगा इफ My n is greater than or equal to 25 and it is less than equal to 35 and if it happens, so मैं यहां पे लिखता हूं then, obviously मैं print करूंगा orange, so मैंने यहां पे लिख दिया print orange, and if does not happen, so मैं यहां पे लिखूंगा else if. इसकी stepping मैं थोड़ी देर से करता हूं. सो मैंने लिखा else if n is greater than or equal to say for example my given range is 15 now. सो ऑब्वियसली ये कंडीशन तभी चेक होगी जब ये 25 से लेस होगा. सो मुझे अदर कंडीशन देने की जरूरत नहीं है. सो आई कैन सिंपली राइट देन, एंड यहां पे मैं प्रिंट कर दूंगा ब्लू. एंड सिमिलरली n is greater than equal to 15, सो यहां पे मैं प्रिंट कर दूंगा ग्रीन. एंड फाइनली मैं इसे एंड इफ कर दूंगा, एंड दैट्स इट. अब मैं इनकी स्टेपिंग कर देता हूं. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी राइट एल्गोरिदम फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट राइट एन एल्गोरिदम दैट एक्सेप्ट 4 नंबर्स एज इनपुट एंड फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ देम. एक तो तरीका यह हो सकता है कि इसमें हम 4 डिफरेंट नंबर्स लें और उनका इंडिविजुअल कंपैरिजन करें, बट उस वे पे अगर मैं इस एल्गोरिदम को लिखूंगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी बड़ी. सो दैट मैं क्या करता हूं, यहां पर दूसरा ट्रिक अपनाऊंगा. मैं यहां पे व्हाइल लूप लूंगा. मैं पहले फर्स्ट नंबर इनपुट करूंगा, उसे मैक्स और मिनिमम में इनपुट कर दूंगा या असाइन कर दूंगा, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट 3 डिफरेंट नंबर्स हम लेंगे उसे मैक्स और मिनिमम से हम कंपैरिजन करते हैं. तो चलिए देखते हैं इसका एल्गोरिदम हम कैसे लिखते हैं. बट बिफोर दैट मैं अगेन इसको एनालिसिस कर लेता हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ राइटिंग इनपुट. सो आई विल एक्सेप्ट 4 नंबर्स. सो मैं 4 डिफरेंट नंबर्स इनपुट करूंगा. प्रोसेस की जहां तक बात है तो ऑब्वियसली कंपेयर ऑल नंबर्स एंड
वी विल सिंपली राइट कंपेयर ऑल नंबर्स एंड देन हम आउटपुट में मेंशन कर देंगे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू राइट एल्गोरिदम. सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस स्टेप वन वेयर आई विल राइट ऑब्वियसली स्टार्ट. Now in the next step, what will I do? I will definitely take a counter which I'll set to zero because मैं loop का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यहाँ पे. So I'll take it to zero. And in the next step, मैं यहाँ पे एक message flash करता हूँ, enter four numbers. And then in the next step, this is actually step number three. So in the next step, I will simply accept number into. तो पहले तो मैंने एक इनपुट किया से फॉर एग्जांपल n में. अब ये जो फर्स्ट नंबर मेरा n पे आएगा उसे मैं असाइन कर देता हूं दो वेरिएबल्स में, दैट इज योर मैक्स एंड मिन. सो आई कैन राइट मैक्स इक्वल टू n एंड ऑब्वियसली माय मिन इक्वल टू n एज वेल. नाउ आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट ए लूप जहां पे मैं अदर थ्री नंबर्स को इनपुट करूंगा सो दैट आई कैन सिंपली राइट व्हाइल माय counter is less than how much 3 because I have already accepted a number. And as far as repeat statements are concerned, मैं पहले वो सारे statements लिखता हूँ then उसे mention कर देंगे यहाँ पे. So मैं चलता हूँ step number, I think I should write here. So मैं यहाँ पे लिखता हूँ now the next step, that is my 7 number where I'll write or you can say input obviously into the वेरिएबल n, देन स्टेप नंबर 8 वेर आई लाइक कंपेयर दिस n, इफ दिस n इज से फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन योर मैक्स सो ऑब्वियसली आई विल स्टोर दैट वैल्यू इन टू मैक्स. सो ये हो जाएगा मेरा n. एंड इफ इट इज नॉट देयर सो मैं लिखूंगा दिस इज एक्चुअली स्टेप 9, देन इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट it is actually min. So if n is less than min, so I will write min equal to n. And this is how we will get, you know, maximum and minimum value. And obviously step 11 will be end if. And then I'll increase the value of counter for other repetitions. My cnt. You can also write it to cnt equal to cnt plus 1. Now what I am doing here, I am repeating this step from 7 to 12 so that I can write here repeat 7. It should be actually step. And then after exiting from this loop, I will take next step where I will simply display or you can say print max and my min. And then finally it is actually step 13. So in the next step then I will simply write step 14 where I will simply write stop. So now you can understand how can we write algorithm for finding the largest and smallest number among given four numbers. So here I'm using a loop. So let's move to the next question now. Now here it is asking that write an algorithm to display the total water bill charges of the month depending upon the number of unit consumed by the customer as per the given criteria. We have to accept unit. And according to given criteria, like for first 100 unit, it should be 5 rupees. Then for the next 150 unit, it should be 10. And similarly for next 250 units, it should be 20 rupees. And whatever charges we calculate will be added with, you know, 75 rupees. So that mera final bill calculate ho jayega. So chaliye iske liye bhi hum pseudo code likhna shuru karte hain. So first of all, definitely I'll check inputs. So this is obviously a unit. Then process is obviously calculate charge as per given criteria. Okay. And similarly, output would be my total water bill. Now start pseudocode writing for it. So I'm starting with step one. So here I have accepted a number in unit. And then I will try to calculate total charges by given these criteria. So here I will use if statement. So I write if it is less than or equal to 100 rupees. So the charges will be obviously unit multiplied by 5 rupees. And say if it is not there, then I will set another step.
Now, because it is saying that for the next 150 unit, if suppose I have accepted 300 units, so first 100 units will be calculated with, you know, 5 rupees, so it will be 500 plus jo remaining hoga, usme hum 10 rupees ka calculation karenge. So the step will be charges equal to first 100 unit ka 500, then plus jo remaining units hain, that is my charges minus 250 multiplied by my 10. So ye mera final calculate ho jayega. And suppose, sorry, it should be actually 150 units. And similarly for other condition, that is 250 unit ke liye bhi value calculate kar leta hun. So here for first 100 unit 500 and for 150 units 1500, so it will be 2000 rupees. So main yahan pe likhunga. So this is how we can write a statement for this one. Actually please correct it with 150 so that aapko koi confusion na ho. So ye maine 150 kar diya hai. And finally, मुझे इस तरह से calculation मिल जाएंगी. Then I'll close this if statement. So I will write end if. And after exiting from this if, I will add 75 rupees to get the total bill. And then obviously I will print the total bill. So I will write and then close the algorithm. So this is how we can write algorithm for this particular problem. So I hope aapko ye samajh mein aa raha hoga. So let's move to the next question now. Now the question is saying what are conditionals when they are required in a program. Now we all know that when we write if then your condition and then we write then and then we say statements and if it is not there we write else then again a statement. So this is what actually our conditionals and the purpose of this conditional to implement what conditions, right? And we can also add or we can also say that if we want to execute some statements according to given conditions or criteria, there we use what our conditionals, right? So this is how we can understand it. Let's move to the next question now. And you can also mention example if needed. Let's move to the next question now. Now here it is saying that match the pairs. Obviously ye jo humne rounded rectangle yahan pe liya hua hai, ye basically hum use karte hain start and stop ke liye. Then this is for input and output we can say. So this is basically your data. This rectangle is basically used for process step, like suppose here I can write input n. Here I can simply write n equal to n into n. So this is my process. And for decisions we take this diamond shape. And obviously this arrow is basically for, you know, the flow up control. So I can point it to flow up control. So this is how we can match the pairs. Let's move to the next question now. Now in this question it is saying that following is an algorithm for going to school or college. Can you suggest improvement in this to include other options? So ye school reach school algorithm hai, wake up then get ready then take lunch box, take bus, get off the bus, reach school or college. Is particular algorithm mein main koi specified answer aapko nahi de sakta because it's all up to you ki aap kis tarah se iske bare mein logic lagate hain. As per my concern I can write take lunch box and the next step I can say take school bag, then I can say after school bag go to bus stop and then you can take bus, then from get off the bus and then you can reach to your school or college and attend the class. So that I think, you know, can be the correction from my side. Otherwise you can add other things if you like and it's again as I said ki improvement ke kai options ho sakte hain. Let's move to the next question now. Write a pseudo code to calculate the factorial of a number. We all know that 5 factorial, this is basically 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So how can we write algorithm for this? So let me analyze first. So I am starting with this input where I'll accept a number. Then the process will be, you know, repetitive multiplication. So I can say repetitive multiplication. So I have written repetitive multiplication of given number with its previous number till it becomes what? 1.
And finally, in case of output, I will say factorial, right? Let's start writing pseudocode for it. So I will start with step 1, that is obviously my start. In the next step, I'll accept a number, so I will write input, obviously a value in n. And after this, I will start a loop where I will write while my condition would be greater than equal to 1. So repeat. So repeat ko hum 2 minute pehle sare steps likh dete hain, then likhte hain. So the next step, obviously my say result, where I'll put r equal to r into n, and because I am taking this r, so there I think I should include one more step, that would be actually step 2, where I'll set r equal to 1. So it should be then step 3, then step 4, and it should be step 5. Please consider this step 2 here. And then in the next step, I will write obviously decrement. You can also write n equal to n minus 1, but I am taking it as decrement n. So after that, now I can write step 5 to 6. And after exiting from this loop, I will simply display the factorial. So I will write step 7, print r. Okay, and then close the algorithm. So I'll stop it. So this is how, we can write factorials pseudocode. Let's move to the next question now. Now here it is asking that draw a flowchart to check whether a given number is an Armstrong number or not. Right? Now we all know that Armstrong number is something like you can see here. If suppose I have a number and jab us number ke individual digits ka main cube ka addition karta hun aur uska jo total aata hai, if it is equal to the original number, it is called Armstrong number. To iske liye jo flowchart likhna hai, chaliye hum dekhte hain. तो मैंने ऑलरेडी उसे यहां पे बनाया हुआ है. यू कैन सी हियर, मैंने सबसे पहले इनपुट किया आफ्टर राइटिंग स्टार्ट. मैंने एक r लिया जहां पे मैं टोटल निकालूंगा इंडिविजुअल डिजिट्स के क्यूब का. सो मैंने r ले लिया है और उसके बाद में मैंने ओरिजिनल वैल्यू को सेफ रखा है और उसकी कॉपी मैंने n1 में ले ली है. दिस इज माई लूप बेसिकली, यू कैन सी हियर, जहां पर मैं इंडिविजुअल डिजिट्स का कैलकुलेशन करूंगा. सपोज n1 में 371 मैंने डाला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका मॉड कर रहा हूं 10 से. सो जो d आएगा उसमें मुझे 1 मिलेगा व्हेन आई ट्राई टू डिवाइड दिस बाय 10. सो इस 1 का क्यूब मैं निकालूंगा तो इट शुड बी एक्चुअली d इनटू d इनटू d. सो इसका जो क्यूब होगा वो 1 हो जाएगा और उस 1 को मैं r की प्रीवियस वैल्यू दैट इज माय 0 उसमें मैं ऐड कर दूंगा तो इट विल बिकम व्हाट 1. एंड देन मैं n1 की वैल्यू को 10 से डिवाइड करूंगा. एक्चुअली इट इज n1, सो इट विल बिकम व्हाट 37. देन अगेन 37 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो अगेन मैं इसे मॉड करूंगा 10 से. सो दिस टाइम मेरे पास जो d आएगा वो होगा 7, एंड 7 का क्यूब जो होगा दैट विल बी 343, और उस 343 को मैं इस r की प्रीवियस वैल्यू 1 में एड करूंगा सो दैट इट विल बिकम 344. एंड देन मैं n1 को नेक्स्ट डिवाइड करूंगा 10 से, आई विल गेट दिस 3, एंड 3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो अगेन मैं इसे जब मॉड करूंगा d में, सो आई विल अगेन गेट 3 एज d, और उस d का क्यूब होगा 27 जिसको मैं ऐड यहां पे करूंगा, सो आई विल गेट इट से 371. सो ये मेरे r में आएगा. एंड देन जब मैं n को 10 से डिवाइड करूंगा, n1 को मैं जब डिवाइड करूंगा सो इट विल बी 0, बिकॉज 3 को 10 से डिवाइड करने पे वो 0 आ जाएगा. देन मैं कंपेयर करूंगा n और r को, सो n इज ऑब्वियसली माई 371. सो बोथ आर सेम, तो ये डिस्प्ले करेगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. एंड इफ इट इज नॉट देयर, सो ऑब्वियसली नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट फ्लो चार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट फॉलोइंग इज एन एल्गोरिदम टू क्लासिफाई नंबर एज सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और बिग. यहां पर एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है, उस एल्गोरिदम की बेसिस पे ये बता रहा है कि ये सिंगल डिजिट और डबल डिजिट और बिग को डिस्प्ले करने के लिए. हम इसे वेरीफाई करेंगे इस क्वेश्चन में 5, 9, 47, 99, 100 एंड 200 के लिए. तो क्या ये करेक्ट होगा? नाउ यू सी हियर, मैंने यहां पे लेस देन लिखा है 9, तो इसके लिए तो करेक्ट होगा, बट 9 के लिए रॉन्ग आएगा. 47 के लिए करेक्ट होगा, 99 के लिए रॉन्ग होगा, एंड 100, 200 के लिए भी सही होगा. द रीजन इज वॉट, मैंने यहां पे लेस देन लिखा हुआ है. एक्चुअली इट शुड बी
इक्वल टू 9 एंड लेस देन इक्वल टू 99, सो दैट ये प्रोग्राम इन दोनों के लिए भी सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगा. सो हमें इस प्रोग्राम में करेक्शन करना होगा, एज यू कैन सी, जहां पे हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 9 एंड यहां पर भी हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 99. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन अगेन वन एल्गोरिदम इज रिटन विच इज बेसिकली टू एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100. Our question is saying that on what values will this algorithm fail? First of all, look at this if statement. It is saying that 0 is less than equal to the number jo hum accept karenge aur number is less than 100. Question is that 1 to what 100 hume lena hai, to condition kya honi chahiye thi? It should be if number is greater than or equal to what 1, but here it is saying that 0 is less than equal to 1. So iska matlab ye hoga ki ye जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे प्लस जो जीरो आप डालेंगे उसमें ये फेल हो जाएगी कंडीशन. एंड इंप्रूवमेंट की जहां तक बात है तो ये जो इफ स्टेटमेंट होगा इट शुड बी लाइक वी कैन से 1 और यू कैन से नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड व्हाट नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 100. सो ये मेरा करेक्शन होगा इस प्रोग्राम में. सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ रहा होगा. सो दीज आर दी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 जिसका हमने एल्गोरिदम सूडो कोड लिखना देखा है एज ए सॉल्यूशन. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि इसकी बेसिस पे किसी भी क्वेश्चन के एल्गोरिदम को अब आप लिख पाएंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू सॉल्यूशंस. Bye-bye.